आज 9 बजे वाली क्लास कहाँ हो पाएगी? नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका जय महादेव विद्याकूल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सेशन है, मेंटी क्विज है आपके लोगों के लिए, क्योंकि अगर आज आप लोग अपने क्वेश्चंस का प्रयोग करना चाहते हैं तो मेंटी क्विज आपको लगाना ही पड़ेगा बेटा। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेंटी क्विज जल्दी जल्दी आइए, जुड़ जाइए आप लोग। चलिए ठीक है, चलिए जुड़िए जल्दी जल्दी आप लोग। और आप लोग सबसे पहले ये कोड ले लीजिए बेटा। देखिए, आप लोगों को कोड लेना होगा और वो कोड क्या है मैं बता देता हूं। 97539336। आप लोग पहले ये कोड इस्तेमाल करिए, उसके बाद बात करते हैं। जल्दी से जल्दी पहले ये कोड इस्तेमाल कर लीजिए आप लोग। और आप लोग चले जाइए गो टू www.menti.com पर, और वहां पर आप जाएंगे और फिर उसके बाद आप इस कोड को अप्लाई करेंगे। और जैसे ही ये कोड अप्लाई होगा तुरंत आपके सामने मैं यहां पर क्वेश्चंस देना स्टार्ट कर दूंगा। बेटा, आज केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का मेंटी क्विज है। आज हमने 10th में जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड आप लोगों को संपूर्ण मेंटी क्विज मिलने जा रहा है। तो देखते हैं आप लोग आज कैसा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या हुआ, आप लोगों ने इस कोड को अप्लाई कर लिया या नहीं? अच्छा, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए। इसमें देखिए कोई मक्खी है, कोई ऐसे है, कोई वैसे है। ज्यादातर बच्चे जुड़ रहे हैं। जल्दी जल्दी आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए मेंटी क्विज में। www.menti.com पर आप लोग पहुंचिए और वहां पर जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। एक बर्गर भी आ गया है, देखिए तुरंत। एक मक्खी आ गई, एक बतख आ गया, एक हैंड आ गया, एक मछली, एक छाता। ये सारे बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके। देखिए, अरे वाह, एक 8 नंबर भी आ गया है जल्दी। अरे वाह, एक बर्थडे भी आ गया, देखिए यहाँ पर। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए बेटा। आप लोग गो टू www.menti.com एंड यूज द कोड 97539336। जल्दी जल्दी जुड़िए आप लोग। ये देखिए, एक शेर खान आ गए हैं आपके सामने। राधे राधे सर। इतने बच्चे देख रहे हैं और आप लोगों में से सिर्फ और सिर्फ इतने ही बच्चे जुड़ पाए हैं अभी तक। जल्दी जल्दी जुड़िए आप लोग, फिर उसके बाद हम प्रारंभ कर देंगे आपकी क्लास को। ज्वाइन हो गया है तो बच्चे तो बहुत कम दिख रहे हैं अभी। आप लोग और लोग जुड़िए जल्दी जल्दी। हाँ जी, जल्दी जल्दी। और जितने भी बच्चे हैं, ये देखिए एक गैंडा, सॉरी डायनासोर आ गया है। देखो, डायनासोर है सर। एक डायनासोर भी आ चुका है, देखिए। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। ये देखिए, बोट से नाव को खेता हुआ एक व्यक्ति है। अरे मेढक भी आ गया है। जल्दी जल्दी आइए आप लोग, जुड़िए हमारे साथ। आग जला दिया किसी ने, बिल्कुल से। देख लीजिए बच्चे जुड़ रहे हैं। वाह, सेफ्टी पिन भी आ गया यहाँ पर, सब कुछ आ गया है। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। ये देखिए, आग लगा दिया किसी ने। अरे बिल्कुल, ये देखिए बालू भी आ गया, टेंडी जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सर ज्वाइन हो गया हूं, बिल्कुल। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा, देखिएगा। शुरू करने जा रहे हैं आपके सामने। अच्छा, अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर कर दीजिए खटाखट। 18 सेकंड का समय बचा हुआ है आपके सामने। 18 सेकंड का समय बचा हुआ। रासायनिक अभिक्रिया लिखने में ये जो वाला चिन्ह है, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? ठोस, द्रव, गैस। एक नंबर, टाइम्स अप। बिल्कुल, केवल 2 बच्चों ने सही जवाब दिया है और लगभग सभी बच्चों ने गलत जवाब दिया है। तो कौन बच्चे यहां पर दे पाते हैं, ये पता चल पाएगा? नहीं। अगले में, अच्छा आप लोग जल्दी जुड़िए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए बेटा, गैस के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं ये वाला निशान, और आप ठोस के लिए इस्तेमाल करेंगे ये वाला निशान। ध्यान रखिएगा, केवल 2 बच्चों ने आंसर दिया है और लगभग बच्चे खत्म हो गए हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हा? मैं यहां करूं कुछ, नेक्स्ट करूं? अच्छा, ये क्या आ गया? देखिए जरा सा, लैडर बोर्ड आ गया है। ये क्या है? किसने आंसर दिया है? इन दोनों बच्चों ने सही आंसर दिया है और देखिए सब ने 0 आंसर दिया है। हाँ बिल्कुल खत्म। कौन है ये लोग? नाम भी दिया हुआ है, देखो। एक का नाम है नंदिता सिंह और एक है टाइगर बेबी। टाइगर बेबी ने गलत आंसर दिया है, सॉरी सही आंसर दिया है चंद्रवीर। ये सब बालक, जितने बालक बालिकाएं हैं, इन्होंने आंसर गलत दिया है और सिर्फ 2 लोगों ने, टाइगर बेबी और नंदिता सिंह ने जबरदस्त उत्तर दिया है। याद रखिएगा, सबसे पहले टाइगर बेबी ने आंसर दिया है, फास्टेस्ट। देख लीजिए आप लोग। चलिए आप नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हा? आया ही नहीं अभी क्वेश्चन। अब क्या करूं? आपके सामने क्वेश्चन आने जा रहा, नहीं वही चीज है विकास यादव। कहां चला गया? देखिए जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग, खटाखट उत्तर बताइएगा। मैं इसको थोड़ा सा काट देता हूं यहां से। हाँ जी, समीकरण CaO+H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, उस मिस्टेक को हम आपके सामने सही कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वैसे यहां पर टाइम हो चुका है, बोलिए क्या आंसर होगा। देखिए 13 बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब, सॉरी गलत जवाब दिया है, केवल 8 बच्चों ने सही जवाब दिया है। और याद रखिएगा, अब आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे फॉरवर्ड कर दूं? चलिए देखते हैं क्या अब आपको रिजल्ट मिलेगा। यस, सैफी अहमद ने बिल्कुल पहले जवाब दिया है, अभिषेक जाट। फिर एक दिल वाला बालक है, बॉय, सूरज फ्लिप पर, विकास यादव, नंदिता, शिवम यादव, चंद्रवीर, पीके, स्काई भाई, इन्होंने सबने आंसर सही दिया। और सबसे फास्ट आंसर किसने दिया हुआ है? सफी अहमद ने दिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं, संयोजन अभिक्रिया होती है। बिल्कुल आप लोग जल्दी और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लिए आज चमत्कारिक चीजें आ रही हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको मालूम है सीबीएसई बोर्ड ने भविष्य के लिए जो एग्जाम है उसको 2 स्टेप में कराने की बात कर रहा है। और पहले स्टेप में आपको क्या मिलेगा? आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और दूसरे स्टेप में आपको लिखना होगा। आधा सिलेबस आपका केवल और केवल क्या होगा? एमसीक्यूज। तो इसीलिए मेंटी क्विज आपके लिए लाभप्रद होने जा रहा है और लाभ ही लाभ मिलने जा रहा है बालक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आप सैफी अहमद और वैसे विकास यादव और नंदिता अभी आगे चल रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहला प्रश्न भी उत्तर के रूप में दे दिया था। हाँ दिया है ना, देखो ना सर आंसर सही है। अच्छा ये टोटल स्कोर है, आंसर तो नहीं आया, गलत आया ना। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आने वाला है। हाँ, उत्पादों को रासायनिक समीकरण के किस ओर लिखा जाता है? बताइए उत्पादों को रासायनिक समीकरण के किस ओर लिखा जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। एक बालक कह रहा है टकलू बाबा आई एम वेरी सैड। कोई बात नहीं बेटा, सैड होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जीवन में सिर्फ सैड ही होना एक अच्छा खबर होता है। घबराइए नहीं, सैड होते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। दुखी होना एक सामान्य प्रक्रिया है, दुखी होना एक सामान्य बात है। 20 बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। जवाब आ चुका है बालक, देख लीजिए यहाँ पर फास्टेस्ट आंसर आ चुका है नीले रंग में। 20 बच्चों ने आंसर दिया है। वाह क्या बात है, जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब 20 बच्चों ने दिया है। तो देखते हैं अगला इसका क्या हो सकता है बालक। तो देखिएगा अब आने वाला है आपके सामने आंसर और देखते हैं किस बालक ने सबसे पहले उत्तर दिया है। अभी सबसे आगे चल रहे हैं सफी अहमद, फिर इसके बाद बॉय और फिर उसके बाद नंदिता सिंह और फिर इसके बाद सूरज फ्लिपर जो है वह आगे चल रहे हैं। 5वें नंबर पर आपके चंद्रवीर हैं और इसके अलावा शिवम यादव हैं, स्काई भाई हैं और इसके अलावा विकास। मैं पास हो गया हूं फिर भी कोई बात नहीं बालक, आप पास हो रहे हैं और ग्रेस मार्क से पास हो रहे हैं। फास्टेस्ट आंसर किसने दिया है? अरुण कुमार शुक्ला ने। इसने अच्छा फास्टेस्ट आंसर दिया, मैं पास हो गया फिर भी। अरे अपना नाम तो लिखो यार रियल में। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आप लोग धड़ाधड़ आंसर दे रहे हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब समझ आए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में एक रासायनिक अभिक्रिया है। जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए, भयानक तरीके से फास्टेस्ट आंसर आना चाहिए। आप देखिए जल्दी जल्दी आंसर करिए, फास्टेस्ट आंसर आना चाहिए आपके सामने। रासायनिक अभिक्रिया बताना है बालक। समय समाप्त हुआ, 2-1, टाइम्स अप। वाव, ओनली 8 बच्चों ने आंसर दिया है। रासायनिक अभिक्रिया है। वैसे मैं बताऊं आपको मेंटी में क्वेश्चन गलत हो गया आंसर ही, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा रासायनिक अभिक्रिया है तो आपका जो आंसर होगा ना, यह मेंटी ने गलत कर दिया है, इन बच्चों ने आंसर सही दिया है। यानी आपका हाइड्रोजन का बनना क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यह मेंटी ने गलत कर दिया। बेटा कोई बात नहीं, हम तो बैठे हैं ना, मेंटी गलत कर दिया तो क्या हो गया, हम तो आपके साथ जुड़े हैं, हम आपको आनंदित कर देंगे बालक, परेशान मत होइएगा। और ये 15 बालक जिन्होंने ये आंसर दिया है वह प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं, आनंदित हो जाएं, जोर शोर से खुशी मनाएं, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए बालक आगे बढ़ा जाए। ओके, देखिए अब इसको अभी हम थोड़ा सा आगे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये अभी हमसे यहाँ मेंटी ने गलत कर दिया है। मेंटी को मैं बताऊंगा अभी कुछ देर बाद। मेंटी ने बहुत गलत काम किया है बच्चों के साथ में, घबराइए नहीं, मेंटी की गलती नहीं है, इसमें आंसर लिखने वाले की गलती है। अरे मजा आ जाएगा बेटा, मौज कर देंगे, आग लगा देंगे, तोड़ फोड़ डालेंगे, धुआं धुआं कर देंगे, सब कुछ उखाड़ देंगे, सब कुछ पलट देंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपके साथ बने रहते हैं। घबराइए मत, जिंदगी आपकी भी है हमारी भी है, हम आपका साथ देंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए बालक, ठीक है। तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोगों को क्वेश्चंस कराते हैं, घबराइए मत। ये देखिए आपके सामने आ जाएगा, अब नंबर 5 आने जा रहा है क्वेश्चन का, और देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है आपके साथ। तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्या कहलाती है? बताइए, तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। जल्दी 15 सेकेंड, 13 सेकेंड, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। जल्दी जल्दी करिए बेटा, टाइम्स अप हो गया। देखो 17 बच्चों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है बालक, 17 बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया है और बच्चों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। संयोजन अभिक्रिया है यार, एसिटिलीन और हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो क्या बनता है, यही तो पूछा है, मिलाएंगे तभी तो कुछ बनाएंगे। तो याद रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, मौज मस्ती करते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं बालक। जुड़े रहिए, जिंदा रहिए, हम भी हैं आप भी हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए बालक, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए आप इसको अभी देखते हैं, सबसे ज्यादा तेजी से किसने ये कार्यक्रम निपटाया है, सबसे तेजी से। देखो सबसे आगे नंदिता चल रही हैं, दूसरे नंबर पर बॉय हैं, तीसरे नंबर पर विकास यादव, चौथे पर जौनपुर का लाडला खुशाल मौर्य है। और याद रखना बेटा, आप लोगों को ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे और अपने अपने नंबर भी आप देखते रहिए और आप हमारे साथ जुड़िए। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करिए, धुआंधार तरीके से वीडियो आग लगा देनी चाहिए, जल्दी से अपने अपने ग्रुप में आप शेयर करिए, तुरंत वीडियो को लाइक करिए धड़ाधड़, जितने भी बच्चे देख रहे हैं लाइक करें। और इसके बाद आपका टेस्ट है, आज जीवन का निर्धारण होगा कि आपके 10th में कितने नंबर आएंगे। आप ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपके नंबर कितने आएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज रसायन विज्ञान का आपका टेस्ट है, भयानक टेस्ट हो रहा है, इसका उत्तर देते रहिए, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। जो बच्चे मेंटी में उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप कमेंट में उत्तर दीजिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए बालक, एकदम ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न आने जा रहा है आपके सामने, देखिएगा इधर। पता नहीं क्या छूना पड़ता है इसमें, कुछ समझ नहीं आता। लीजिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है बेटा, बताइए, विरंजक के लिए प्रयुक्त होता है। बताइए विरंजक के लिए क्या चीज प्रयुक्त होती है बेटा, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। विरंजक के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? विरंजक चूर्ण है ये, विरंजक चूर्ण, जिससे हम बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 टाइम साहब। चलो जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, देखते हैं कितना उत्तर होता है। विरंजक को क्या कहा जाता है बेटा? 17 बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट उत्तर दिया है, यानी 17 बच्चों को हम महान की श्रेणी में रखते हैं और सब गधों की श्रेणी में आ जाते हैं। आप लोग लगातार उत्तर देते रहिए। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए देखिएगा, ये देखिए नंदिता सिंह, जल्दी जल्दी उत्तर आना चाहिए आप लोगों का, तेजी से भयानक तरीके से उत्तर आना चाहिए। आप लोगों के सामने है नंदिता सिंह। नंदिता सिंह ने सबसे फास्ट आंसर दिया है और याद रखिए फास्टेस्ट चंद्रवीर ने दिया है, और नंदिता सिंह सबसे आगे चल रही हैं, और बॉय नाम का एक बालक है वह सबसे दूसरे नंबर पर चल रहा है। तो इसी तरीके से सैफी अहमद है, वो तीसरे नंबर पर हैं। लगातार प्रश्न आ रहे हैं और लगातार आपको प्रश्न करने की आवश्यकता हो रही है। तो धड़ाधड़ उत्तर जोड़ते रहिए, धड़ाधड़ उत्तर करते रहिए बालक, आनंद लेते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए मैं आपको एक शायरी बढ़िया वाली सुनाता हूं, एक बालक ने हमको कभी बताई थी। ग्लूकोज सी मीठी मीठी जिंदगी, यानी ग्लूकोज सी मीठी मीठी तेरी बातें, अल्कोहल सी अदाएं हैं, लाइकेन सी हो गई है जिंदगी, सवाल और कवक सी वफाएं हैं। याद रखिए ये वैज्ञानिक शायरी है आपके लिए। ग्लूकोज से मीठी मीठी तेरी बातें, अल्कोहल सी अदाएं हैं। क्या बताया? ग्लूकोज से मीठी मीठी तेरी बातें, अल्कोहल सी अदाएं हैं, सवाल सी हो गई है जिंदगी, लाइकेन सी हो गई है जिंदगी, सवाल और कवक की वफाएं हैं। तो मजा लेते रहिए, आनंद लेते रहिए और बच्चों क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने आ गया है, ये देखिए। जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए, तुरंत धड़ाधड़ उत्तर आना चाहिए। और जितने भी बालक हैं यहां पर तुरंत वीडियो को लाइक जरूर करें। बिना लाइक किए हुए वीडियो को देखना आनंद का विषय नहीं बनता। तुरंत वीडियो लाइक करिए, एंजॉय करिए और अपने प्रश्नों को उत्तर लगातार देते रहिए बालक। बताइए शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? बहुत ही घटिया लेवल का क्वेश्चन है, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही घटिया लेवल। अरे फिर भी देखो कितने बच्चों ने आंसर गलत कर दिया है, कम से कम 14। एक बच्चा इधर गलत किया, एक बच्चा इधर। अरे खत्म हो क्या यार, 3 बताओ, इतने बच्चों एकदम खत्म क्वेश्चन था ये। इसको तो लगभग लगभग बच्चों को सही कर लेना चाहिए था, पता। और वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा, बिना लाइक किए हुए वीडियो देखना अपराध की श्रेणी में आता है और गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो को तत्काल प्रभाव से आप लोग लाइक करिए, धड़ाधड़ वीडियो को शेयर करिए, चारों तरफ कोहराम मचा दीजिए, वीडियो को बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या आएगा आपके सामने। नंदिता आगे बढ़ी चली जा रही हैं धड़ाधड़। अब देखते हैं किसका नंबर सबसे ज्यादा आता है। अरे बॉय आगे जा चुका है, नंदिता पीछे हो चुकी हैं। देखिए बॉय, क्या नाम है बॉय तुम्हारा? देखो धड़ाधड़ आंसर आना चाहिए। नंदिता पीछे हो चुकी हैं, बॉय आगे जा चुका है। इसीलिए आप लोग जुड़े रहिए और लगातार प्रश्नों का उत्तर देते रहिए बालक। और सबसे फास्टेस्ट आंसर किसने दिया है? विकास ने दिया है ना, अरुण कुमार शुक्ला ने दिया है बालक। सबसे फास्टेस्ट आंसर। गजब शुक्ला जी, मजा आ गया आपका प्रश्न देख करके और आपका उत्तर भी देख करके। वीडियो को लाइक जरूर करिए। अच्छा ठीक है, तो चलो बच्चों आगे का प्रश्न देखते हैं। ये देखिए आपके सामने 9वां क्वेश्चन आ चुका है बालक। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, धड़ाधड़ आंसर बताइए आप लोग। संकर लवण क्या कहलाता है बताइए। संकर लवण क्या कहलाता है? जल्दी जल्दी 4, 3, 2, 1 लगातार आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ और मेंटी क्विज को सॉल्व करते रहिए। प्रिंस तिवारी नाम ले रहे हैं बेटा तुम्हारा, सुमित। हाँ जी बेटा बिल्कुल सी आंसर वालों बालकों। 10 बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 10 बच्चों ने गलत जवाब दिया, 5 बच्चों ने एकदम खत्म जवाब दिया और 3 बच्चों ने तो एकदम लेट कर जवाब दे दिया है। बिल्कुल एकदम सटीक जवाब दीजिए, लगातार जवाब दीजिए और आंसर लगातार आपके आने चाहिए, एक भी उत्तर गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है। गलत आंसर नहीं आना चाहिए बालक, याद रखना इस बात को। लेते रहो नाम, जपते रहो नाम, हरि का नाम, अपना नाम, सबका नाम, पड़ोसी का नाम, रीना का नाम, टीना का नाम, सबका नाम लेते रहो और लगातार आंसर करते रहो बालक, ध्यान रखना। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अगला प्रदर्शन क्या है। देखते हैं कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। ये लीजिए देखते हैं, ये लीजिए नंदिता फिर आगे जा चुकी हैं और मैं पास हो गया हूं फिर भी दूसरे नंबर पर। और जो बालक अभी थोड़ी देर पहले 1 नंबर पर था वह अब आ गया 4 नंबर पर, उसने गजब ढा दिया। गजब तरीके से नंदिता आगे चल रही हैं, लक्ष्मी का पैर बना हुआ है। सोचिए जरा सा, यह लगातार दौड़ रही हैं, फास्टेस्ट तरीके से नंदिता आगे जा रही हैं बिल्कुल। क्वेश्चन चला गया, तुम कहां थे अभी तक बालक? वीडियो को लाइक जरूर करिए, बिना लाइक किए हुए वीडियो को देखना अच्छा प्रदर्शन नहीं माना जाता है क्योंकि जब आप मंदिर में घुसते हैं तो मत्था जरूर टेकते हैं, इसलिए मत्था टेकने का काम जरूर करिए और लाइक का बटन दबा दीजिए बेटा जल्दी जल्दी। ओके तो चलो अगला जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है अब 10वां प्रश्न, और 10वां प्रश्न है, ये लीजिए 10वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है बालक बताओ? अम्ल नीले लिटमस को क्या कहता है? अच्छा जो सर जो आंसर बता रहे हैं पहले उसका नाम लीजिए। बिल्कुल बेटा 20 बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है और बेटा आज ये पहला प्रश्न है जिसको बच्चों ने एकदम करेक्ट जवाब दिया है, एक भी बच्चों ने उत्तर गलत नहीं दिया है। अरे नहीं नहीं 2 लोगों ने और लोचा किया है, 2 लोगों ने लोचा किया है। नीले लिटमस को लाल कर देता है बेटा, ध्यान रखना आप गलत मत करो। बिल्कुल सही जवाब, हाँ जी धड़ाधड़ उत्तर आना चाहिए, वीडियो लाइक होते जाना चाहिए। अब ये हमारा टारगेट है 100 लाइक्स, 100 लाइक तो आना चाहिए वीडियो में। अगर 100 लाइक नहीं आया तो आपका वीडियो देखना बिल्कुल निरपराध हो जाएगा, आप श्रेणी में आ जाएंगे गलत श्रेणी में। जल्दी से जल्दी 100 लाइक पहुंचाइए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी आप देखते हैं प्रदर्शन, देखते हैं सबसे फास्टेस्ट प्रदर्शन किसका रहा। नंदिता अभी भी आगे हैं और मैं पास हो गया 2 नंबर पर, बॉय 4 नंबर पर। और सबसे फास्टेस्ट आंसर किसने दिया बालक? सूरज नाम के एक बालक ने दिया है। सबसे फास्ट आंसर सूरज ने दिया है। क्या ये सब क्या बक रहे हो? पहली बात तो तुम्हारी जो भाषा है वो बहुत खत्म है, क्योंकि तुम एक खत्म बालक और खत्म खानदान से आते हो लग रहा है, क्योंकि अध्यापक से तुम यह बोल रहे हो कि सर आप क्या बक रहे हो, वाह क्या बक रहे हो, क्या संस्कार हैं आपके। अपने पिताजी से भी ऐसे ही भाषा का प्रयोग करते हो तुम, बताओ कि क्या बक रहे हो। हाँ जी, आंसर नहीं बताया। आंसर क्यों नहीं बताया? नीले को लाल नहीं कर देता लिटमस अम्ल, और लाल को नीला कर देता है क्षार। बताया तो था आपको आंसर। चलो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करिए, धड़ाधड़ 100 लाइक पहुंचना चाहिए आज। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से एक अधातु तत्व है जो द्रव तथा ठोस दोनों अवस्थाओं में मिलती है। अधातु तत्व जो ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में मिलती है। आपका समय शुरू होता है अब। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। देखिए आपका आंसर क्या हो सकता है। अब देखिए आपका आंसर आ चुका है पारा। और पारा एक बहुत जबरदस्त आंसर अधातु तत्व है। निम्नलिखित में से एक अधातु तत्व का नाम बताना है बेटा। और आप लोगों ने क्या बताया? सॉरी, ये धातु तत्व जो द्रव तथा ठोस अवस्था में पाया जाता है। यहां पर पहली बात तो आपका यही आंसर सही होगा। यहां पर मैं आपको एक मिस्टेक है, और वो है क्या? अधातु नहीं है, धातु तत्व है ये। बिल्कुल सही जवाब है। 15 बच्चों ने उत्तर सही दिया है। और आगे बढ़ते हैं बेटा, अगली बार से जरा मैं इसको चेक करूंगा तभी आपका मेंटी लूंगा। मुकेश सर होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ा ही रहे होंगे, उनका काम ही पढ़ाना है। अब हम क्या बताएं, कहीं ना कहीं तो सर होंगे जरूर। हाँ, यहां पर धातु था बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधातु तो था भी नहीं क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं कौन सबसे आगे चल रहा है। नंदिता सबसे आगे चल रही हैं, और बॉय नाम का एक बालक है वह 5वें नंबर पर जा चुका है। और सबसे अब आइए 12वें क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा। तो देखते हैं 12वां क्वेश्चन आपका क्या है। अभी आपको आंसर मालूम होना चालू हो जाएगा। तो चलिए 12वां प्रश्न, धातु जो सरलता से ऑक्सीजन हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है, ऐसी धातु का नाम बताइए जो सरलता से क्या हो जाती है? ऑक्सीकृत हो जाती है बेटा। चलो बताओ जल्दी से। बोलो 6, 5। यस, बिल्कुल 18 बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और लगभग 8, 3, 11 और 12 बच्चों ने एकदम गलत आंसर दिया हुआ है। तो देखते हैं अगले प्रश्न में बच्चों ने किस प्रकार का उत्तर दिया हुआ है। वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए बेटा। बिना लाइक किए हुए वीडियो देखना अपराध की श्रेणी में आता है। लाइक जरूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते, इसीलिए दिक्कत आती है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। देखते हैं यहां पर अभी आपके सामने आ जाएगा। और ये लीजिए उठकर गया, ये देखिए। और सबसे आगे चल रही है नंदिता। अब दूसरे नंबर पर आ गए सैफी अहमद, जबरदस्त, और इस प्रश्न का सबसे शानदार जवाब दिया है स्मार्टी साहिल ने। स्मार्टी साहिल ने भयानक तरीके से यहां पर आंसर दिया है। ओके, कॉपर आंसर होगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। ये देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, वो भी भयानक तरीके से आएगा जो आप देख नहीं सकते। हाँ जी, देखिए 13वां क्वेश्चन आपके सामने है और इस 13वें क्वेश्चन को आपको करना होगा और अच्छे से करना होगा बालक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती बालक? जो हाइड्रोजन के नीचे होगा वो नहीं करेगा। दस, नौ, आठ, सात, एवरीवन हैज, वाव, देखिए केवल 8 बच्चों ने सही जवाब दिया है। सक्रियता श्रेणी अगर आपने पढ़ी होगी जीवन में, मैं नहीं जाऊंगी मेंटी क्विज में। अब मेंटी क्विज में आपको जाना हो तो जाइए, नहीं जाना हो तो मत जाइए, वो आपकी मर्जी है बालक, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किसने फास्टेस्ट आंसर दिया है और कौन सबसे आगे चल रहा है। नंदिता सिंह जी, बताओ बेटा, नंदिता सिंह सबसे आगे। अरे नहीं, नंदिता को पीछे करते हुए मैं पास हो गया हूं, फिर भी वह आगे चल रहे हैं। देखिएगा, धड़ाधड़ आंसर आया है बेटा। और देखिए, अरे वहां प्लेट व्लेट भी होगा। हाँ, अब आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा। देखिए धड़ाक से, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन ये आ गया स्क्रीन पर। भयानक क्वेश्चन है। फेन प्लवन विधि निम्नलिखित के शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त होती है। बताइए फेन प्लवन विधि किसके लिए उपयुक्त होती है? अठारह, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। बताइए जल्दी जल्दी आंसर। ये देखिए, आपका जो आंसर है वो गलत है। 8 बच्चों का उत्तर केवल सही है। 8 बच्चों का मात्र उत्तर सही हो पाया है और किसी का भी उत्तर सही नहीं है बालक, याद रखिएगा। जल्दी जल्दी आंसर दिया करिए आप लोग। देखते हैं सबसे ज्यादा आंसर किसने दे दिया है। देखिए, मैं पास हो गया, फिर भी उन्होंने एकदम बढ़िया वाला आंसर दिया है। सबसे 1 नंबर पे चल रहे हैं। अब बॉय तो गायब ही हो गया बालक, बॉय नाम का बालक तो गायब ही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मेंटी क्विज है ये। मेंटी क्विज क्या है बेटा? मेंटी क्विज है ये। आइए 14वां 15वां प्रश्न करते हैं हम लोग। ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक कौन है? बताइए। जिसमें डबल बॉन्ड होगा वह असंतृप्त यौगिक होगा और जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वह संतृप्त यौगिक होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए बेटा, धड़ाधड़ आंसर आना चाहिए आप लोगों का। निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक कौन है? छः, पांच, चार, तीन, दो, एक। टाइम्स अप। देखते हैं क्या आंसर होता है। हाँ जी, हाँ? अरे ऑप्शन चार है ना, 1 2 भी लिखा है सर, 1 2 3 4। हाँ पता नहीं जो भी है, हाँ यही तो गड़बड़ हुआ ना। हाँ C2H2 होता है बेटा, ध्यान रखना। और याद रखना ये कैसे बनाओगे आप लोग, C ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H और H, तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो आंसर क्या हुआ 4। तो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर सही दिया है। एक बालक लगा हुआ, शिवांगी आपका घर कहाँ है बता दो भैया। शिवांगी ये जाएंगे वहां आपके घर पे। मिस्टर सोनू कुशवाहा, तुम्हारा पूरा खानदान है जो तुम कह रहे हो। इस बालक को ब्लॉक किया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर महोदय से जुड़े हुए हैं, इस बालक को थोड़ा सा ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि यह नशे में बैठा हुआ बालक लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे आगे चल रहे हैं, मैं पास हो गया हूं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। आनंद लेते रहिए और पढ़ते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए बेटा। निम्नलिखित में एल्कीन कौन है बताइए, निम्नलिखित में एल्कीन कौन है? क्या? हाँ इसको ब्लॉक करवाओ। हाँ जय हो गुरुदेव की जय, बालक जय हो सबकी। इस संसार में जितने भी लोग हैं सबकी जय हो। सब मस्त रहो, सब खुश रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ना किसी से बैर ना किसी से दोष। सब लोग खुश रहो, मस्त रहो। चलो तो देखो, सबसे फास्टेस्ट आंसर अभी बताया जाएगा। देखते हैं कौन सबसे आगे चल रहा है। वर्तमान समय में यही बालक सबसे आगे चल रहा है। नंदिता दूसरे नंबर पर चल रही हैं। बिल्कुल बढ़िया जवाब। C2H2 होगा। C2H2 कैसे होगा बताओ। बेटा एल्कीन है, एल्काइन नहीं है। एल्कीन किसको कहते हैं? एल्कोहल वाले पार्ट को कहते हैं ना। हो गया तब ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगली क्लास के लिए हाँ तो सर उसको रिशेड्यूल करा दो, ये क्लास अभी लंबी जाएगी। चलिए बेटा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए आंसर। एल्कीन श्रेणी में एल्कीन है, बिल्कुल सही जवाब। 20 बच्चों ने सही जवाब दिया है। ये पास हो गया, अच्छा बालक है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में एल्काइन कौन है? देखिए और बताइए एल्काइन कौन है। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। केवल और केवल 6 बच्चों ने सही आंसर दिया है बेटा, और सब गलत आंसर दिए हैं। देखते हैं आगे कौन सबसे आगे चल रहा है। वही है सबसे आगे। नंदिता नीचे चली गई बेचारी, तीसरे नंबर पे आ गई। प्रिंकल कुमार आ गई हैं दूसरे नंबर पर। अगला देखते हैं बेटा। मैं पढ़ता हूं तो पढ़िए, हमने आपको मना ही नहीं किया। विद्याकुल पे पढ़ा तो रहा हूं बालक, और कहां पढ़ा रहा हूं, विद्याकुल पे ही तो पढ़ा रहा हूं। चलो ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या है बताओ। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या है? एकदम सही जवाब है आपका, एकदम सही जवाब। जबरदस्त आंसर आप लोगों ने दिया है। अच्छा, साहिल अंसारी कह रहे हैं कि सर हम फर्स्ट पर हैं। देखो मैं पास हो गया हूं, सबसे आगे चल रहा है बालक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या है बताओ। हाँ, थोड़ा सा ऐप में कुछ दिक्कत हो गई है और वह दिक्कत हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, और फिर जैसे ही वो दिक्कत सॉल्व होगी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइम्स अप। केवल 3 बच्चों ने आंसर सही दिया है। देखते हैं आगे, जितने बच्चे देख रहे हैं कम से कम लाइक तो कर दो यार, वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी होता है। चलिए, अरे वाह, मैं पास हो गया हूं, फिर भी सबसे बढ़िया आंसर, और आज तक के इतने ही आंसर थे आप लोगों के। मैं पास हो गया हूं, तो कौन है वो मैं पास हो गया हूं? बताओ, मैं पास हो गया हूं वो कौन है? नूरगुल कह रहे हैं। अच्छा, साहिल अंसारी, बधाई हो बेटा, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, आपको बहुत बहुत बधाई, नंदिता को भी बधाई, और भी बच्चे हैं उनको भी बधाई, सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हाँ बेटा, यूपी बोर्ड के लिए क्लासेस चलती हैं यहां पर। देख लीजिए, कीड़े मकोड़े भी उड़ रहे हैं। अच्छा, कीड़े मकोड़े नहीं है, ये फूल बरसाया जा रहा है। हाँ जी, मैं ही सर, स्मार्टी साहिल ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन साहिल अंसारी मैं पास हो गया, फिर भी एक बढ़िया जुझारू बालक है, लगातार शुरू से लगा रहा। विद्याकुल ऐप थोड़ा सा अपडेट हो रहा है, तो कुछ सर्वर में उसमें इश्यू है, आज से कल तक में वो सब कुछ सही हो जाएगा, और वह सोमवार से आपकी क्लास लगातार चलती रहेगी। घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ तकनीकी समस्याएं हो जाती हैं जिसके कारण इस प्रकार की आपको दुविधा सुविधा देखने को मिलेगी, और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, और भविष्य को निर्धारित करने का जिम्मा आप स्वयं उठाइए। हम सिर्फ आपकी हेल्प कर रहे हैं, हम आपका सहयोग कर रहे हैं, और हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, और बताइए बच्चों। अच्छा, लाडला जो है वो जौनपुर वाला दूसरे नंबर पर है। रमन, तो मजा आ गया सर। बताइए आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी? बेटा सिर्फ 2 लाइक बचे हैं, सिर्फ 2 लाइक बचे हैं 100 होने में। तुरंत सेंचुरी मारिए आप लोग धड़ाधड़। बेटा बताओ, 2 लाइक बचे हैं केवल सेंचुरी मारने में, बड़े दिन बाद ये 100 लाइक देखने को मिलेंगे बच्चों के। जल्दी से लाइक कर दीजिए। क्या ऐसी कक्षाओं की उम्मीद आप करते हैं भविष्य में? बताओ बच्चों, क्या आप ऐसी कक्षाओं की उम्मीद आप करते हैं भविष्य के लिए? हाँ जी। हाँ, अरे वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ऐसे ही बेटा आप लोग अपने तरफ से एप्रिशिएट करते रहिए, बढ़ावा देते रहिए, हम लोग आपको बढ़िया से पढ़ाते रहेंगे। आपके किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आपको अपने जीवन में आने नहीं देंगे। समझ में आई बात? आनंदित रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान दीजिए। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपना हेल्थ, अपना स्वास्थ्य बिल्कुल परफेक्ट रखना होगा, वरना आपको भविष्य में दिक्कत हो सकती है बालक, याद रखिएगा। मेंटी वाले का सबका नाम बोल दें। अब हमें नाम कैसे बोलें यार, हमको नाम बोलना तो नहीं आएगा ना इसमें, हमको तो अब दिख ही नहीं रहा है कुछ भी, तो अब हम नाम कहां से बोलें आपको बताइए? हाँ, नाम लिख रहे हैं। जौनपुर का लाडला खुशाल मौर्य दूसरे नंबर पर, और यह है राघवेंद्र तीसरे नंबर पर, प्रिंकल चौथे नंबर पर, और नंदिता सिंह जो है पांचवें नंबर पर, सूरज नाम का बालक है वह छठे नंबर पर, और ये कौन है? विशाल सातवें पर है, मनोज आठवें पर, अरुण नौवें पर, और अनन्या जो है वो 10वें नंबर पर है। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए धड़ाधड़ चल रहे थे क्वेश्चन आप लोग। सर 11th क्लास भी चलता है बालक, सब चलता है, आप चलाइए तो। बेटा ये क्लास हम फिर कल ले आएंगे, आप चाहेंगे तो हम दोबारा ले आएंगे। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी हाथ उठाइए और जल्दी जल्दी बच्चे बताइए कितने बच्चे चाहते हैं कि सर हमारे साथ ऐसे प्रश्नों का भंडार आना चाहिए और ऐसी मेंटी क्विज के मैराथन हो जानी चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, धड़ाधड़ उत्तर दीजिए आप लोग जरा तो। हाँ जी बताओ बच्चों, कितने बच्चे चाहते हैं ये चीज? अगर आपसे पढ़ता तो मैं यूपी टॉप कर जाता। वाह क्या बात है बालक, यूपी टॉप। बेटा नाम है महादेव और साथ में जुड़ गया विद्याकुल, तो भैया अगर भगवान शंकर के साथ में विद्या शब्द जुड़ गया ना तो आप कल्पना करिए तांडव मचा देंगे बालक, आप चिंता मत करिए, तांडव मचा देंगे तांडव। और आपकी परीक्षा आते आते आपको ना हमने तांडव मचवा दिया और आपके ना हमने नंबर बढ़वा दिए आपके दिमाग से, तो आप बताना हमें। वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और चारों तरफ इसको बिखार दीजिए और चारों तरफ इस वीडियो को फैला दीजिए बालक। ये मेंटी क्विज था, आपके लिए था, आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। और बच्चों हम आपके लिए ही यहां पर खड़े हैं, आप हैं तो हम हैं, या मुकेश सर के शब्द हैं, तो याद रखिएगा आपसे हम हैं, हमसे आप नहीं हैं। इसलिए अपना प्यार बनाए रखिए, अपना प्यार हमें देते रहिए और भविष्य में हमारे साथ अच्छे तरीके से जुड़े रहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। और घर में प्रश्नों की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, लगातार गणित पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़िए, एसएसटी पढ़िए, विज्ञान पढ़िए और नंबर धुआंधार आना चाहिए, लगातार आपके नंबर बढ़ने चाहिए, गारंटी के साथ नंबर आना चाहिए। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, कोई बात नहीं, आज से आप पुराने स्टूडेंट हो चुके हैं, घबराइए नहीं और अपने नंबर लगातार बढ़ाते जाइए। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, लव यू सर, लव यू टू। बेटा क्या हाल है? गुड नाइट, आप सभी लोगों को बहुत बहुत गुड नाइट, बहुत बहुत गुड नाइट। और बच्चों याद रखना आज आप लोगों का जो प्रदर्शन रहा उसको लेकर, और आज ये मेरे लिए भी मेरे जीवन का पहला मेंटी क्विज था, इसीलिए मैं आज मेंटी क्विज को समझ गया हूँ। देखो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते पसीने पसीने हो गया हूँ, एसी चल रहा है लेकिन मेरे शरीर पर काम नहीं कर रहा है। इसका आइडिया आप लगा सकते हैं कि हम कितनी ताकत झोंक रहे हैं आपको पढ़ाने में और आपको समझाने में हम किस प्रकार का काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपको करने की आवश्यकता है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहा करिए। ठीक 9 बजे हमारी रोज क्लास होती है। आज की क्लास मुझे लगता है संभव नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरी क्लास अभी ये लगातार चल रही है, बच्चों से वार्तालाप हो रही है, इसी वजह से आज की जो रेगुलर क्लास है वह मुझे लगता है संभावित नहीं होगी। हाँ जितेंद्र चौहान, हम ले आएंगे मिंटू क्विज अगले क्लास में। कल भी हम मेंटी क्विज लेके आएंगे, घबराइए नहीं। मेंटी क्विज होगा, लगातार मेंटी क्विज होगा। और अब मैं समझ गया हूं मेंटी क्विज का अर्थ। बालक हमारे साथ तभी जुड़ता है जब उसको क्वेश्चन आंसर करने में आनंद आता है। हाँ बिल्कुल सुमित मौर्य, आप हमारी तरह बिल्कुल भयानक तरीके से मेहनत करिए। मुकेश पाल, लव यू सर, लव यू बेटा। सर टाइम टेबल सेंड करा दीजिए, टाइम टेबल भी आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और आप विद्याकुल ऐप को तुरंत जाइए और जाकर के उसको डाउनलोड करिए ऐप को, और अच्छे से अच्छे पढ़ने का प्रयास लगातार आप करते रहिए। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद और शुभ रात्रि आप सभी लोगों को। गुड नाइट।